तनी देखो ना क्या कह रही थी इनको, कह रही कि आप लोगों को नहीं दिखाए जो क्या नाम है शादी में जब हम आए थे दुल्हन बन करके शादी में जाएंगे तो लाल है पता चल जाना उठी भी बा अच्छा चला था खाली बा पर नहीं ये शादी नहीं चला हो गया नारियल पानी भी हो गया फल फ्रूट भी हो गया है। Hey guys, welcome back to our another blog. तो guys, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा है और मैं मैच देख रहा हूँ मोबाइल में क्योंकि किट्टू रानी ने टीवी पे कब्जा कर रखा है, टीवी पे देख रही मूवी मुझे मोबाइल नहीं देखने दे रही है। तो मैं ऑफिस से आ गया हूँ और ऑफिस से आते ही मैं गया हूँ पहले थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हुआ, फिर हमारी धर्म पत्नी ने क्या आदेश दिया है, क्या आदेश दिया आपने कैसा सुबह आपको गुड इवनिंग, इधर देखिए तनी देखो ना क्या कह रही थी इनको, कह रही कि आप न अपने हाथ से चाय बना के पिलाइए। तो सही जाहिर सी बात है हमेशा मेरी सेवा की है, मेरे को खिलाया पिलाया, तो जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो बच्चों जैसी हरकतें हो जाती हैं कि मुझे कोई कुछ बना के खिलाए पिलाए। तो इन्होंने मुझे बोला है कि मुझे फटाफट आप चाय बना के पिलाते हो, मैं इनको चाय बना के पिलाता हूँ। चलिए गाइस लेट नहीं करते, अपने होने वाली बच्चे मम्मी की चाय बना के पिलाते हैं। बड़े प्रॉब्लम, तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा ध्यान आधा मैच पे है, आप लोग भी मैच देख रहे। किट्टो के लिए मैं चाय बना रहा हूँ, अदरक चीनी चाय पत्ती सारा कुछ डाल दिया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए, थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, फिर मैं यहाँ पे दारू मैं भी क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे दूध रखा हूँ, दूध इसमें डाल दूंगा फिर। और यहाँ पे विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है देख करके गाइस, और कोहली मैच भी देख रहा हूँ मैं लग गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गाइस गुड मॉर्निंग, अब सुबह हो चुकी है, सुबह मैं अपना गर्म नींबू पानी पीता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कैटल वाले वाटर को गर्म कर लेता हूँ, और मैंने नींबू और हनी ले लिया इसमें ऑलरेडी, नींबू हनी आप लोग को दिख रहा होगा, और थोड़ा सा वार्म वाटर करेंगे ताकि हेल्थ के लिए एक अच्छा सा थोड़ा सा कल छोड़ रहा है तो रख देते, थोड़ा गर्म हो जाए वार्म हो जाए तो फिर। तो भैया लग गए हैं झाड़ू पोछा में, सुबह काम कंप्लीट हो गया है और हमारी प्यारी किट्टू रानी उठ गई है, तो मैं पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह कर दिया। कल हम लोग पता कितने बजे सोए, 3:30 बजे सोए हैं, नींद ही नहीं आ रही थी, और सोनाक्षी लोग जाने लगी थी, मैंने नींद ही खुल गया। नीचे तक करोगे आज छठ पूजा का लास्ट दिन था ना, सुबह ही 3 बजे से भी गाना बजने लगा था यहाँ पे पिछले साल हम गए थे, इस बार तो हम नहीं जा पाए क्योंकि सुबह नहाए थे, फिर सुबह सुबह नहा लेंगे तबियत खराब हो जाएगा, खांसी जुकाम हो जाएगा, इसकी वजह से नहीं गए। अब ये नहाए तो ये सब जगह जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए आवाज़ें आ रही थी। बहुत सारे लोग वीडियो डालेंगे तो देख लेंगे सुबह का अर्थ कैसे गिर सकता है, शाम का तो बहुत सारे लोग का वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये मतलब पूजा देख करके, इसकी चर्चाएं हर जगह हैं, हर जगह। जब तक हम लोग हमारी शादी नहीं थी कुंवारे थे ना तब तक उतना महत्व इसका नहीं जानते थे, बहुत कम लोग के साथ में बहुत ही कम होता है, हम लोग के यहाँ इतना नहीं होता, लेकिन करने वाले करते हैं ऐसा नहीं है। पर ये सब बनारस छपरा बिहार कोलकाता ये सब जगह ज़्यादा होता है, मैंने देखा है बहुत सारी जगह। आज मुझे एक वीडियो बनाना है साड़ी का, तो वही चल रहे सोच रहे चलते हैं नहा धो लेते हैं तो उसके बाद बनाएंगे, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा है क्या बताएं। बेसाइड से बोल रहे कैमरा इधर उधर लगा रखे, ये
इसकी वजह से इधर से मैं बोल रही हूँ। मेरा आवाज कैप्चर कर रहा होगा पता नहीं। मेरा आवाज गया होगा उसमें कितना कच्चे कच्चे हैं। नहीं आया होगा तुम्हारा आवाज। नहीं आया होगा ना। क्यों नहीं आया होगा? आया होगा। बहुत आया होगा। तो दो मिनट का बोल दी। क्या बोले खुल नहीं है। रात में नींद नहीं आ रहा था ये सब बोल रही होगा। हमको भी रात में नींद नहीं आ रहा। नहीं छठ पूजा के बारे में बोल रहे थे। अच्छा गाना बज रहा था ना सुबह 3 बजे से ही बज रहा था। छठी माई के आज खत्म हो गया ना? आज लास्ट था। अब नहीं कि कल था लास्ट। आज सुबह का आज पिछली बार सुबह ही दिवा गए थे ना तुम। वही हम बोले कि सुबह नहाना होता खांसी जुकाम हो जाएगा इसकी वजह से नहीं गया। तभी तो उसका दवा ही चल रहा था। फिर ऐसे ही हो जाता नहाना होता तुमको तो वैसे भी जाने आने के लिए मना कर रखा है इतना। वही चीज तो मैं बोल रही हूं। सुबह सुबह खास कर बाप रे प्रेगनेंसी में तुमको ये नहीं ले जा सकते ना भैया। बहुत केयर करना पड़ता है भाई। अब तुमने ये वाला वीडियो नहीं दिखा दिखा दो ना लोगों को। नहीं दिखाए हो जो क्या नाम है शादी में जब हम आए थे दुल्हन बन करके शादी में जब मैं सासू माँ को अटैची भर के दी थी और उसके बाद वो सब तो पहले तुम नहीं डाले हो अभी देखे हैं। पहले का वीडियो क्या डाले हैं? क्यों नहीं डाल सकते जब मैं शादी होके आई थी ना मैं देखी पूजा इतने पतले से थे और मुझे देख करके इतना हंसी आ रही थी कि अरे बाप रे मैं इनसे बोल रही थी मैं इतनी पतली हो जाऊंगी यार नहीं हो पाऊंगी हमको मुश्किल लग रहा है इतना पतला होना। देखो समय शादी के बाद थोड़ा सा बॉडी चेंजेस होते ही है। हमारे बॉडी नहीं चेंज हो गए हैं। आप वैसे के वैसे ही हो। वैसे आप वैसे। पहले जोधा थे लेकिन अब नहीं हो शादी में। आप जोधा थे। हम तो अब जैसे लगते हैं कि हाँ औरत एकदम लगोगी। नहीं औरत अब मम्मी बनने वाली हो तुम तो औरत नहीं लगोगी। बहू दिखा दो ना। नहीं दिखाया हो वीडियो आज तक नहीं दिखाया हो किसी को। लो दिखा दो। चलो गाइस ऊपर स्क्रीन लगा देते हैं आप लोग देख लें। स्क्रीन की लगाओगे साइड में मतलब पूरा देखो पूरा लगा देते हैं। हां मैंने मतलब कि मैंने सासू मां को और जेठानी जी को क्या गिफ्ट दिया था ननद जी को दिए थे उसका वीडियो ही शूट नहीं किए हैं। हुआ होगा डिलीट हो गया होगा इतना पूरा ना मेरे क्लाउड में पड़ा हुआ था। आई क्लाउड में पड़ा हुआ था वहां पे कल ये देख रही थी मेरा फोन छान रही थी वही बोले जी ये वीडियो अभी तक पड़ा हुआ है। हाँ मैंने अपने में ले लिया है। मैं बोले अगर ये नहीं दिखाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। और मैंने कितना प्यार से खरीदा था सासू माँ के लिए अटैची में सारा सामान वगैरह। और मेरी मम्मी ने आप लोग देखोगे लेकिन उसमें जो रिंग मैंने जो सासू माँ को मेरी मम्मी ने रिंग दिया था ना जो दुल्हन उतारने का जब दुल्हन जाती है ससुराल में तो जो उतारने का मम्मी मेरी रिंग दी थी तो उसमें मामी कह रही है इमन तो रिंग खा लिया जबकि मैंने उनको पहना दिया था हाथ में तो बैग में थोड़ा शायद नहीं होगा लेकिन आप लोग देख लीजिएगा मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। और ये नहीं दिखाया है। तो ये हमारी शादी के बाद का है जब किट्टू पहली दिन आती है और अपनी सासू माँ को जेठान को अपनी सिस्टर को सबको अपनी तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आई थी। उस दिन का किट्टू जिक्र करती वो वीडियो आपने आज तक नहीं दिखाया मगर चलो आज दिखा देते हैं। किट्टू ने मम्मी को रिंग पहले ही पहना दिया था तो वही मामी चेक करती हैं कि इस डिब्बे के अंदर क्या है लेकिन डिब्बे के अंदर खाली डब्बा निकलता है उसमें कुछ नहीं था। वही ऐसे नहीं लगती मामी तो किट्टू बोलती है कि मैं पहले ही पहना दिया। अब किट्टू अपनी जेठान जी को प्यारा सा गिफ्ट जो लेके आई थी वो दे रही है और सबको बहुत खुशी हुई थी गिफ्ट पा करके। किट्टू ने अपनी सैलरी से जो वो कमाती थी उससे सारी चीज़ें सबके पसंद की चीज़ें लेकर के आई थी। मम्मी के लिए भी रिंग वगैरह लेकर के आई थी और सबका आशीर्वाद ले रही है अपनी दीदी को दे रही है वंदना जी। हो गया। A few moments later. तो गाइस जब मैं नहा धोकर के तैयार हो गया हूँ तो मैं सबसे पहले आता हूँ मंदिर में लड्डू गोपाल जी को नहलाता हूँ पूजा पाठ करता हूँ उनके कपड़े चेंज करता हूँ लक्ष्मी गणेश जी को नहलाता हूँ उनके सारी चीज़ें करता हूँ और फिर उसके बाद दिया जला करके आरती करता हूँ। फिर मेरे बाद किट्टू रानी आएंगी वो पूजा करेंगी क्योंकि वो मेरे बाद आज ना आएंगी। सो गाइस हम लोग का पूजा पाठ संपन्न हो चुका है और किट्टू रानी भी नहा धोकर अपना पूजा पाठ कर चुकी हैं और पूजा पाठ करने के बाद शुरुआत करती हैं चीनी से क्योंकि बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में हमेशा क्यों प्रेगनेंसी वैसे भी खाते हैं। अच्छा और ये लवंग ऐसे रखा रहेगा गिर जाएगा घर में बिछड़ जाएगा वो सही है। क्या करना है इसको जल देने जाते हो जाओ वही मंदिर में नीचे कहीं कोई पेड़ होगा रख देना नीचे। चलो ठीक है
अभी जा रहे तुम्हारे किचन से यहाँ जो अभी जा रहे तुम्हारे लिए वो ले आने ना फ्रूट ये सब कर देंगे वहाँ जाके कहीं रख देना पेड़ के नीचे। तो गाइज मैं क्या बोल रहा था, हाँ उसके बाद अभी मेरे कपड़े हैं, मैं कपड़े थोड़ा सा प्रेस कर लेता हूँ, मेरे को एकदम टाइट कपड़े पसंद है। गुड मॉर्निंग की तरह जा रहे हैं, देखो अभी सुबह सुबह लोग के सामने उठे हैं तो अब कपड़ा जा रहे हैं प्रेस करने के लिए, कपड़ा प्रेस करके पहनेंगे। अच्छा लोग सुबह सुबह उठते हैं, हम बोल गए थे लोग सुबह सुबह उठते हैं। तो गाइस फटाफट अपना कपड़ा अपना प्रेस करते हैं। तो गाइस मैं चलता हूँ किट्टो के लिए, कुछ फल फ्रूट लेकर के आता हूँ और कुछ वेजिटेबल्स लेकर के आता हूँ और उसका उसी साइड उसी टाइम में बैंक चला जाऊंगा क्योंकि उधर ही बैंक है मेरा, तो वहाँ पे जाकर पता करना है चीज़ में, देखते हैं क्या होता है, बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं सब्जी मंडी पहुँच गया हूँ, सबसे पहले मैं लेने जाता हूँ खीरा। खीरा दो रेट है, 30 और 40, तो मैं 40 वाला लेता हूँ 1 किलो। आलू मैंने ज़्यादा ले लिया 2 किलो, क्योंकि आलू ज़्यादा यूज़ होता है घर में, तो मैंने 2 किलो आलू भी खरीद लिए। तो आज मार्केट में टमाटर का रेट 40 रुपये किलो था, तो मैंने 1 किलो टमाटर ले लिया, क्योंकि टमाटर गल जाते हैं इसलिए 1 ही किलो टमाटर लिया हूँ 40 के रेट से। 15 से 30 का पाव, 1 पाव कर देना लहसुन। तो अपना सारा सामान हो गया, सेब भी हो गया, नारियल पानी भी हो गया, फल फ्रूट भी हो गया, तब निकल रहा हूँ। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और लेट हो रहा है, तो अमरूद खाते हुए चल रहा हूँ ताकि रास्ते में अमरूद खा सकूँ। तो गाइस आज मैं पहुंच चुका हूँ ऑफिस और ये आप लोग सोच रहे होंगे ये कद्दू का क्या बना हुआ है। तो आज हेलोवीन नाइट है, तो जो लोग जानते होंगे क्लबों में आज पार्टी होती है हेलोवीन नाइट की, ये अलग तरीके की थीम पार्टी होती है जिसमें भूत के आकार के और ऐसे अलग अलग तरीके के ड्रैगन व्रैगन बने होते हैं, कहीं धुआं निकले कहीं कुछ निकले, तो ये सब कटिंग वटिंग हो रही है। तो क्रिप्टो ने आज मेरा मोबाइल देख रही थी, तो उसमें बहुत पहले जाकर के 2 साल पुरानी फोटोज़ में वीडियोज़ में जाकर के उसको दिख गया कि अरे हाँ यार मम्मी को मैंने सासू माँ को ये दिया था, जेठान जी को ये दिया था, वंदना जी को दिया था, वो सब तो आज तक हमने ब्लॉग में दिखाया नहीं। मैं ठीक है क्या दिखाना, अब तो बहुत टाइम है। बोले नहीं नहीं आज हम शेयर करते हैं। मगर ठीक है दिखा दो। तो सब लोग बहुत खुश हुए थे, जबकि भाई जब किसी को कुछ भी मिलेगा तो खुशी तो होती है ना, तो एक बहुत अच्छा माहौल था। तो अभी सारी चीज़ आज मैं शायद फ्लैट पे भी जाऊँगा और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो गई। तो इस वाले ब्लॉग को ही पेंड करता हूँ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। शाम को नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय।